लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो जगह हमें विजिट करनी है वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ की लोकल पुलिस ने हमें तहकीकात में पूरी मदद करने का वादा किया है। वेरी गुड। सर, ये पास के ट्राइबल एरिया के आदिवासी हैं। इनके कबीले से भी लगभग 20 से 25 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें गटर से जो कंकाल मिले हैं उनके डीएनए करने के बाद पता चला है कि उनमें इनके कबीले के बच्चे भी शामिल थे। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। इनका कहना है कि जब से आपने तहकीकात शुरू की है इनके बच्चों का गायब होना कम हो गया है। क्यों राका? ए राका, तू कभी बोर नहीं होता? जब देखो मौत के खिलौनों के साथ खेलता रहता है। यही तो मेरा पेशा है, उसी के लिए तो आया हूँ। अच्छा, ये सेल फोन, उसके नीचे वायर वगैरह, ये ब्लूटूथ से एक्टिवेट होने वाला बॉम्ब है। ब्लूटूथ क्या मतलब? मैंने अपने सेल फोन से 4 बटन दबा दिए तो ये फटेगा। हे भगवान, मारने का फिर से नया तरीका। अच्छा, ये कहाँ रखने वाले हो? तू ही कोई आइडिया दे देना। मैं दू? जज साहब कहाँ कहाँ जाते हैं। मुझे भी तूने अपने साथ शामिल कर लिया। बैनर्जी, कौन है? अरे सामने से हटो ना। बजरंग, इसे पकड़ो, इस गिटार को जाके कहीं छुपा दो। उस डीमैन से ना मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा, ये उसकी नजर में पड़ना नहीं चाहिए। ओके, नहीं पड़ेगा। इसे कहीं पानी में फेंक देता हूँ। ए बजरंग, ये सर दर्द है। जी बड़ी माँ, तेरे सेल फोन का सिग्नल आ रहा है कि नहीं देख के बताना। जी अभी बताता हूँ। ए भाई, भूले से भी मत कहना कि सिग्नल आ रहा है। हाँ बड़ी माँ, इस तरफ आ रहा है। मैं एक नंबर बोलती हूँ, मिला के देना। ठीक है जी। 9900170072। ठीक है। सवाल के कहीं गलती से ये वाला नंबर ना लगा देना। रिंग जा रही बड़ी माँ। हेलो, हाँ मैं आंटी बोल रही हूँ। ए भाई, इनके बात करने के बाद तूने जो नंबर सेट किया है कहीं गलती से दबा दिया तो फटेगा ना। जो भी हो, तुम 10 कदम पीछे रहना। क्यों? मुझे जो बचना है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, मर गया। तारा, तारा, हाँ? तुमने मेरा गिटार देखा? हाँ देखा। कहाँ? कोलकाता में। जो मैं दार्जिलिंग लेकर आया उसे पूछ रहा हूँ। उसे तो मैंने नहीं देखा। ए, वो बम डाल दे। अरे वाह, थैंक यू भाई। इसमें डाल। इसमें डालू? चलो ठीक है, मुझसे तो पीछा छूटा। अरे ये कितना रिस्क उठाता है। गुड प्लेस। सब लोग यहाँ आ जाओ। जल्दी आओ। इनकी बस्ती में आज एक शादी है और ये चाहते हैं कि हम सब शरीक हों। हम सब जाएंगे। उफ़ इन लोगों के साथ बोर हो जाएंगे अंकल, हम नहीं आएंगे प्लीज। शट अप। इतने प्यार से इन लोगों ने बुलाया है, हम सब जाएंगे। मैं भी इंक्वायरी खत्म करके वहाँ पहुँच जाऊंगा। खाना सब लोग वहीं खाएंगे, ठीक है? भगवान, मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कांप रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ो। क्यों दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अंकल, फिर से न जाने कब कहाँ कौन सा बम फट जाएगा। अंकल, डर के मारे पेट हिल गया है। सुबह से इनकमिंग कुछ भी नहीं है और आउटगोइंग अनलिमिटेड निकलता जा रहा है। कितना भी रिचार्ज करूं लेकिन पेट में बैलेंस टिकता ही नहीं है। फटाके ऐसे फूट रहे जैसे दिवाली हो। डॉक्टर को फोन करता हूं तो नॉट रीचेबल आता है। मुझे जाने दीजिए अंकल। भाड़ में जाए। जी क्या कहा? मैंने कहा सुखी रहो। सॉरी मैडम, इंक्वायरी पूरा होने तक ये कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि जो बम फटा था वो इनके गिटार में था। मतलब ट्रेन में अगर बम फटा तो इंजन ड्राइवर को पकड़ लोगे? तुम अकलबंदी की बातें कैसे करने लगे? डर के मारे अपने आप मुंह से निकलता जा रहा है। मुझे छोड़ दीजिए ना। करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा जज साहब, इनके साथ आपका क्या रिश्ता है? कहा जाए तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मेरे दामाद बनने वाले। इनके दादाजी का मुझ पर एहसान। एहसान मतलब? दरअसल मैं एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, इनके दादाजी ने ही मुझे वकालत पढ़ाया। की भापसी की ओर मोने झाड़ बुनाओ की आशुका। ए, ये उसी का है। अगर है क्या तेरे मन में? एक बार मिस हुआ तो यकीन मानेगा, लेकिन हर बार मिस कैसे हो रहा है? हेलो हेलो,
अरे जवाब देना, जिसने पैसे दिए उसे मैं क्या जवाब दूंगा? ए, मुंह खोलना। अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फोन दो अबू। ए, तू ही बात कर। हाँ करता हूँ। ठीक है ठीक है, टेक इट इजी। ये बता तू यहाँ कब आ रहा है? हेलो अबू जान, लाइन में तो कोई और था, आपने तो सब कुछ बोल दिया। यहाँ क्या कर रही हो मैम साहब? कौन हो तुम? बजरंग। आखिरी बार किससे बात की? क्या सवाल है? आप ही से। आखिरी बार फोन पे किससे बात की? वो हमने गांव में अपने दोस्त के साथ बात किया था, उसने मुझे कुछ उधार दिलाया था, तो बार बार फोन करके पूछता है कि सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, बस यही बात के लिए फोन किया था। ठीक है ये सब छोड़ो, उस गिटार को तुम्ही ने ले जाकर कार में रखा था, जो मैंने खुद देखा, उस गिटार में ही बॉम्ब था, इसका कोई जवाब है? मीम साहब आपने तो मुझे वो गिटार छिपाने के लिए कहा था, इसलिए हमने जाके उसे गाड़ी में छिपा दिया, अब उसके अंदर बॉम्ब था कि कॉम्ब था हमें क्या पता। वैसे देखा जाए तो आप ही ने उसके अंदर बॉम्ब रख के मुझे छिपाने के लिए कहा, ऐसा भी तो मैं समझ सकता हूँ ना। लेकिन आप ऐसे नहीं है, बस यूं ही उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ भी हो मेरे मन में शक है, ये फोन कमिश्नर को देकर सारी बात बताऊंगी और तहकीकात करवाऊंगी। एक मिनट रुक जाओ। आप पुलिस के पास जा रही है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहते हैं। क्या है बोलो। वो राज की बात है, इसलिए यहाँ नहीं, कोई भी आ सकता है, क्यों नहीं आप छत पर जाकर मेरा इंतजार करिए, मैं आ जाऊंगा। वैसे आपकी मर्जी। ठीक है इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। अभी आ रहा हूँ मैम साहब। क्यों भाई, छत पर जाकर उसे तुम क्या बोलने वाले हो? कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तो फिर? उसे मारने वाला हूँ। उसे भी? अरे अरे अरे, उसे क्यों मारने वाले हो? उसने क्या किया है? उसे मुझ पर शक हो गया है। उसे मारने से पुलिस को तुझ पर शक नहीं होगा क्या? लेकिन वो तो खुदकुशी करने जा रहा है। वो आखिर खुदकुशी क्यों करेगी? उसने जो किया पुलिस को पता चल गया ना। क्या पता चल गया है? गिटार में बॉम्ब रखा था वो। वो क्यों गिटार में बॉम्ब रखेगी? जज का खून करने के लिए। वो क्यों जज का खून करेगी? सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है उस फाइल को क्लोज कराने के लिए। वो क्यों फाइल क्लोज कराएगी? दुश्मनों से पैसा जो ले लिया है। वो भला क्यों पैसा लेगी? अपने प्रेमी के साथ फॉरेन में जाके सेटल होने। अरे बाप रे, तो रकम कितना है? 3 करोड़। और वो पैसे कहाँ है? वो उसके लवर से पूछना पड़ेगा। लवर कहाँ है? उसे तो सीबीआई ढूंढेगी। सीबीआई क्यों? अरे ये कहानी तो तूने फिर से गोल गोल घुमा दी। सीढ़ी चढ़ते समय मेरा सर नहीं घूमा लेकिन अब घूम रहा है। इसलिए तो तू है। ए भाई, 10 कदम चलते ही तुम 100-100 कहानी बना लेते हो, ये कैसे? इसलिए मैं हूँ। तुमको देखता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ नहीं जी, वहाँ। जो भी है यहीं पर बोलो, जल्दी। वहीं पर, जरा अंदर आइए ना। ये कौन है बताइए? ये हमारी फैमिली फोटो है, मेरे बचपन में ली थी। और ये? ये राघव बचपन में भाग गया था। क्यों? वो राघव मैं ही हूँ। राघव तुम हो? हाँ मैं ही हूँ, मैं ही। इत्मीनान से सोचिए, अपने पिता को क्या मैं खुद मारूंगा? आप ही फैसला करके पुलिस को बता दीजिए। क्यों भाई, तुम अपने जज साहब के बेटे हो? यूं ही कितने स्टाइल से बैठे बैठे देख रहा है, साथ में आया हुआ बंदा इतना बड़ा पत्थर बांध रहा है, एक बार भी पूछता नहीं कि क्यों। क्यों पूछूंगा? सुन लिया? यस। जो दिल में मैं सोचता हूँ तुम्हें सुनाई कैसे देता है? बताओ ये पत्थर मैं किस लिए बांध रहा हूँ? पानी में डुबकी मारने के बाद मन बदल के तैरते हुए बचना नहीं चाहिए ना, उसी लिए पत्थर बांध रहे हैं। ये सब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तू तो मौत का सौदागर है, मेरे मरने से तुझे क्या? मौत का सौदागर कौन है? कौन बोल रहा है मौत के बारे में? मैं ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? आप सौदागर है? हाँ हाँ, आप तो महान। तेरा सर, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पुल के कोने में क्यों खड़ा हूँ? अच्छा तुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ पर हावड़ा ब्रिज ढूंढ रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू किया था वैसे ही शुरू कर रहा है ये। हावड़ा ब्रिज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? साले साहब ने बुलाया है। देख मुझे खून ही मत बना, निकल ले इधर से। नाराज मत होइए, चलिए चाय पीते हैं। अरे बाप रे, ठीक वैसे ही। ए, मेरी चाय पीने की आदत नहीं है, तू निकल इधर से। तो जिगरी अरे तू जाता है कि तेरा सर फाड़ू। रुक रुक, तुझे बताता हूँ कहाँ है पत्थर। अरे बचा, साला दिमाग खा गया। अरे ये रस्सी क्यों खोल रहा है? बच्चू डर गया। बहुत सही मौका है, अभी मैं इसे ठीक करता हूँ। रस्सी मत खोल, रुक रुक।
चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। मैं खुदकुशी करके रहूंगा। इतनी जल्दबाजी क्यों है? अरे तेरे साथ इंस्टॉलमेंट में मरने से एक साथ मरना चाहता हूँ मैं। अरे कूल डाउन। अरे कोई कूल नहीं, कोई डाउन नहीं। अरे उस लड़की से तुम राघव हो कहने के बाद तुमने मुझे देख के आंख मारी, इसका क्या मतलब है? मैं राघव नहीं हूँ, यही मतलब है। फिर उस फोटो में ठीक उसी लड़के को दिखा के तुमने कैसे कहा कि तुम ही राघव हो? अरे उस दिन बड़ी माँ वो फोटो हाथ में रखकर रो रही थी ना, मैंने पूछा क्यों रो रही हो? अच्छा, राघव जो बचपन में घर छोड़कर भाग गया था उसे याद करके रो रही हूँ। उसी वक्त अचानक जज घर पर आ गया। हाँ। बड़ी माँ ने मुझे वो फोटो देकर कहा इसे ले जाकर कहीं छुपा दो। मैंने उसे ले जाकर छत पर छिपा दिया। आगे जैसे ही मैं तारा को धक्का मारने वाला था मेरी तरफ मुड़ गई। हाँ। तभी मैंने फोटो दिखाई और कहा मैं ये राघव हूँ और पीछे छुड़ा लिया। बजरंगबली। बजरंगबली के नाम से मुझे डरा के वो जज साहब को टपकाने की बात की थी, अभी तक टपकाए तो नहीं? फिकर मत कर, आज ही टपका दूंगा। वादा करते हो? वादा। प्रॉमिस? प्रॉमिस ना गधे। ए, अगर तुमने उसे आज नहीं टपकाया तो मैं टपका दूंगा। अच्छा? हाँ बिल्कुल, तेरी मर्जी। अरे बाप रे, उस आदमी को मैं क्यों टपकाऊंगा? ओफो, इसके साथ रह के मेरा दिमाग इसके जैसा ही सोचने लगा है। मेरे लाल, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, किसी के सामने बताना मत। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन सब रिकॉर्ड हो गया ना। कहाँ? वो देखो। अरे ये कैसे आदमियों की तरह खड़ा है? वो मेरी च्युइंगम के बैलेंस पे खड़ा है। ए, तू मुझे हर बार कैसे भी करके फंसा देता है। दूर हट, मुझे खुदकुशी करने दे। हट, मैं टाइट कर रहा हूँ ना। टाइट कर रहा है? मैं तो समझा तू खोल रहा है इसे। अरे पर क्यों खोलूंगा, कहीं रस्सी ढीली होगी और तू तैर कर बच गया तो, इसीलिए टाइट कर रहा हूँ। अरे तेरा खुद का कुछ जमीर है कि नहीं पहले ये बता। अरे ये मेरे पैर में रस्सी कैसे बंधी हुई है? वो पत्थर बांधते वक्त पैर भी बांध दिए थे। अब जल्दी कर, लगता है ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे ये दिखाई नहीं दे रहा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, यहाँ से देखने से ही मेरी फट रही है। तो जाना। अरे मुझे बचाओ, मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे ये करवा रहा है। दीदी आशुन, दादा आशुन, मौजा देखुन, टाका फेंकुन। दीदी आशुन ना, देखिए देखिए नीचे तमाशा, देखिए कैसे लटका हुआ ये आदमी। मजा आएगा, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अरे संभाल के, सीढ़ी है। किस तरह की चाल है भाई साहब? नहीं करने आऊं, वो मैं थोड़ा सा फिसल गया था। ओ, लगता है काफी चिल्लर जमा किया है। इनको कैसे पता चल गया? इनको चिल्लर जमा करते हो, आपने देखा क्या? हाँ, कहा है कि हमारे कैमरे में ये जो फिल्म रिकॉर्ड की है ना, ये मजे से देख। तू उनसे ले ले किसी तरह, तू जो कुछ भी कहेगा मैं करूंगा। बजरंग बली की कसम खा सकते हो? दोनों बजरंग बली की कसम खाता हूँ मैं। हा? अरे उसे मत देखिए, उसमें ये नहाते हुए दिखाई देंगे। खड़े नहीं, अरे उसमें ये नंगू पंगू खड़े हैं। मुझे दो, मैं देखता हूँ। अरे तूने मर्द को नहाते हुए नहीं देखा है? मर्द को नहाते देखा है, तुझे नहाते नहीं देखा। तो उसमें क्यों देख रहा है? आजा, तुझे मैं लाइव दिखाता हूँ इधर। नहीं नहीं, उसके बाद मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ भाई, हाँ। नहीं आएगा। जैसे कंपोजिंग करके तू बहुत बड़ा अनु मलिक बनने वाला है। अबे जा ना।